हेलो दोस्तों, तो हमने एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है, जो कि ये कोबरा स्नेक हमने रेस्क्यू किया है गांव खोकर। तो दोस्तों, खोकर गांव से हमने पवार वस्ती से पवार सर, जो कि मेरे क्लास टीचर है दोस्तों, मैं छोटा था तब वो मुझे क्लास टीचर थे पवार सर, तो इनके बस्ती से आए दोस्तों, एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है। तो देखिए दोस्तों, हमें आपको एक कोबरा स्नेक दिखाते। तो देखिए दोस्तों, ये बैग में से हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों, लगभग ये 3-3.5 फीट का एक कोबरा स्नेक है, जो कि पवार वस्ती से हमने रेस्क्यू किया है। दोस्तों, ये कोबरा स्नेक बहुत ही वीक है, जो कि इसे बहुत ही खाने के चक्कर में शायद से उनके वहाँ पर ये आ चुका था, तो अभी हमने इसे रेस्क्यू किया और उसके पर्यावरण में इसे रिलीज करने के लिए लाए। तो दोस्तों, अभी हमको इस महीने में जो कि लगभग जितने भी कोबरा स्नेक मिले, जो कि बहुत ही वीक कोबरा स्नेक मिले, हम आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना डैमेज है कोबरा स्नेक, जो कि इससे ज़्यादा खाना नहीं मिला है। तो अभी हमने इसे रेस्क्यू किया, जो कि पवार सर भोकर गांव तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर पवार बस्ती इन यहाँ से दोस्तों ये कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों, हम नाग सांप पर काफी वीडियो बना चुके हैं, तो हमें वापस फिर से एक पवार बस्ती पे एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू हुआ है, जो कि बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों। हम आपको काफी टाइम बता चुके हैं, हमारे हर वीडियो में बता चुके हैं कि आपके घर में या तो आपके कंपाउंड में या तो कहीं भी आपको इस तरह के कोबरा स्नेक जो कि जहरीले सांप दिखाई देते हैं, तो किसी भी अच्छे से स्नेक फ्रेंड या तो स्नेक कैचर को बुलाइए। ये इन सांपों को बहुत ही अच्छी तरह से रेस्क्यू करते हैं और उनके पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं। हम आपको काफी वीडियो में कोबरा स्नेक की जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको फिर से इन कोबरा स्नेक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिएगा तो हमारे वीडियो में से ले लीजिएगा दोस्तों। हमारे डिस्क्रिप्शन में हम हर सांप की जानकारी कंटिन्यू देते जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो डालते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो भी चीज का वीडियो बनाते हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सांप जहरीला है या बिना जहर वाला है, या तो एक नॉन वेनमस, सेमी वेनमस और एक वेनमस, मतलब एक जहरीला, एक आधा जहरीला और एक जिसमें जहरी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे 3 टाइप के सांप आते हैं, जो एक तो एक न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब बहुत ही खतरनाक, जो कि नाग सांप बहुत ही डेंजरस सांप होते हैं दोस्तों। तो अभी हम इसमें लगभग बहुत दिन से कुछ खाया नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सांप कितना पतला दिख रहा है और इसमें ठीक से फन निकालने की भी ताकत नहीं है, तो अभी हम इसे ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तो दोस्तों, अभी हम इसके पर्यावरण में इस स्नेक को रिलीज कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, ये चला जाएगा इसके पर्यावरण में। दोस्तों, अगर आपको हमारे स्नेक रेस्क्यू का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।